हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं शाहनूर और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल DIY एक्वारिस्ट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को साथ मेरा जो प्लांटेड टैंक है उसका डिटेल्स शेयर करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा ये जो प्लांटेड टैंक है इसका लेंथ है 3 फीट, विथ है 1 फीट एंड हाइट 1 फीट का है। प्लांटेड टैंक के हिसाब से मेरा जो प्लांट टैंक का जो हाइट है ये हाइट थोड़ा कम है। एक्चुअली आप लोग जब प्लांटेड टैंक सेटअप करोगे तो आपका टैंक का हाइट मिनिमम 1.5 फीट का रखना चाहिए। प्लांटेड टैंक का हाइट 1.5 फीट का कम होने से आपके टैंक में एल्गी प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक्चुअली ये टैंक मेरा पास पहले से पड़ा हुआ था तो मैंने इसी में मेरा प्लांटेड टैंक का सेटअप किया है। इस प्लांटेड टैंक को सेटअप किए हुए आज 6 मंथ हो गया। मेरा पास पहले से एक प्लांटेड टैंक था, वो प्लांटेड टैंक जब खराब हो गया था तो मैंने उसी प्लांटेड टैंक से प्लांट को लेके ये प्लांटेड टैंक सेटअप किया था। इस टैंक को सेटअप करने के लिए मैंने मेरा जो पहले वाला टैंक था उसी टैंक का जो यूज़ किए हुए एक्वा सॉयल थे वही एक्वा सॉयल को यूज़ किया है। इस टैंक को मैंने कैसे सेटअप किए थे ये देखने के लिए आप ऊपर दिए हुए आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। मेरा इस टैंक में मैंने कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करता हूँ। इसके साथ मैंने कोई CO2 सिस्टम भी इसमें यूज़ नहीं करता। ये टैंक कम्प्लीटली लो कॉस्ट प्लांटेड टैंक है। मेरा इस टैंक में अभी तक तो कोई इशू नहीं है और मेरा जो प्लांट्स है वो प्लांट्स भी बहुत अच्छे तरह ग्रो हो रहा है। मेरा इस टैंक में बहुत सारे गप्पी फिश है, उसके साथ कुछ सार्पेटेट्रा एंड रेड आई टेट्रा फिश भी है। प्लांटेड टैंक में आप टेट्रा ग्रुप का जो फिश होता है वो सभी फिश रख सकते हैं, उसके साथ गप्पी फिश भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा और कोई फिश आप प्लांटेड टैंक में ऐड ना करें क्योंकि और कोई फिश होगा तो आपको प्लांट को हार्म कर सकता है। मेरा इस टैंक में जो प्लांट्स है वो है एसिनोडोरस टेलनास, पोटामोजेटन गाई, एलाटाइन ट्रियंड्रा, हाइड्रोफिला और इसके अलावा बहुत सारी प्लांट्स भी है। इस प्लांट्स को मैंने ऑनलाइन परचेस किए थे और कुछ प्लांट्स मैंने लोकल पेट शॉप से भी लिया है। मेरा टैंक का जो टॉप कवर है वो मैंने प्लाईवुड से बनाया है और उस टॉप कवर में ही मैंने मेरे टैंक को लिए जो DIY लाइट है वो मैंने सेट करके रखा है। प्लांटेड टैंक सेटअप करने के लिए लाइट सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। मेरा जो प्लांटेड टैंक है इसके लिए मैंने 3 9 वाट का LED लैंप यूज़ किया है, उसके साथ इसमें 2 ग्रीन कलर का 0 वाट का LED भी है। एक्चुअली क्या है, जो प्लांट को ग्रो करने के लिए डिफरेंट टाइप का वेवलेंथ का लाइट बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने 2 ग्रीन कलर का LED लाइट यूज़ किया है। इस तरह का लो टेक प्लांटेड टैंक के लिए फिल्ट्रेशन सिस्टम तो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मेरा जो टैंक है उसके लिए एक हैंग ऑन बैक फिल्टर यूज़ किया है। आप भी इस तरह का एक हॉप फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। आप भी जब कोई इस तरह का लो टेक प्लांटेड टैंक सेटअप करें तो आपको प्लांट्स के लिए लाइट जो है वो 7 to 8 आवर के होना चाहिए। इसके कम होगा तो आपको प्लांट मेल्ट हो सकता है और ज़्यादा होगा तो आपको प्लांटेड टैंक में एल्गी इशू आ सकता है। प्लांटेड टैंक का लाइट रेगुलेट करने के लिए आप एक टाइमर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का एक टाइमर आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। मैंने भी मेरा जो टैंक है उसके लिए एक टाइमर सेटअप किया है। इस टाइमर से मेरा जो टैंक का लाइट है वो कंट्रोल होता है। आप भी इस तरह का एक टाइमर ज़रूर सेट कीजिएगा आपको प्लांटेड टैंक सेटअप करने के लिए। इस तरह का प्लांटेड टैंक में अगर आप गप्पी फिश रख सकते हैं तो फिश बहुत अच्छे तरह ब्रीड कर सकता है इस टैंक में।
आप भी देख सकते हैं मेरे जो टैंक में गप्पी फिश है वो बहुत सारे बच्चा दे रखा है और अच्छी तरह वो जो फ्राई है वो ग्रो भी हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस तरह का कोई लोटेक प्लांटेड टैंक सेटअप करने के लिए अगर आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा आप लोगों को सही जानकारी देने के लिए। आज का वीडियो बस इतना ही था। गुड बाय फ्रेंड, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।